सुबह की पहली कवरेज थी। मैं अपने कैमरा पर्सन मुकुल के साथ गया था कवरेज करने के लिए। पशु मेला लगा हुआ है, दूर दूर से लोग आते हैं, हमें भी चाह रहता है कि हम जाकर कवरेज करें, और हम कवरेज कर रहे थे। NDRI के लोगों ने कहा कि जो वहाँ का प्रबंधन था कि आप थोड़ा दूर से कर लीजिए, और हमने दूर से करना वहाँ पर शुरू कर दिया था। और उसी दौरान एक जो वहाँ पर लोग आए हुए थे, एक हमारे साथ बदतमीज़ी करने लगा, गाली गलौज करने लगा, बहुत ऐसे शब्द बोले जो हम कैमरे के आगे नहीं बोल सकते। और उसके बाद उसने कुछ अपने साथियों को बुला लिया और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडे उनके पास थे, हमने शांत रहे, सहजता का परिचय दिया क्योंकि भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और प्रबंधन भी कुछ नहीं कर रहा था, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ नहीं कर रहे थे। हमने डायल 112 को कॉल किया, हमने अपने सीनियर्स को कॉल की, कमल मिड्डा हमारे जो सीनियर हैं वो वहाँ पर पहुँचे, बाकी पत्रकार पहुँचे। और जब डायल 112 के साथ हम वहाँ पर गए पहचान करवाने की, इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, तो पुलिस के सामने ही तीन जो हम लोग थे, मैं, मेरा साथी मुकुल और हमारे सीनियर कमल मिड्डा, हमारे तीनों के साथ मारपीट की जाती है। वीडियो में वो सब देखने को मिल रहा है। तो मारने वालों की संख्या कितनी थी? 15 से 20 लोग थे, लाठी डंडे भी थे उनके पास, वो दिख रहा है वीडियो के अंदर। फिलहाल मेडिकल तो बताया जा रहा है, जब 112 पहुंची थी उनके सामने भी मारपिटाई की गई। पुलिस भी मुख दर्शक ही बनी रही क्योंकि मजबूर थी पुलिस, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी मारने वालों की। और फिलहाल शिकायत दी है तमाम पत्रकारों ने। जिस संस्थान के अंदर था ये मेला और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी खड़े होकर देखते रहे, वो भी बीच बचाव में नहीं आए। NDRI को वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना चाहिए था कि इतनी भीड़ है, सिक्योरिटी आप रख रहे हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हों जो बीच बचाव तो करने आए, वो भी खड़े होकर देख रहे थे। तो वहाँ पर अब पुलिस क्या एक्शन लेती है क्योंकि शिकायत दे दी है, मेडिकल करवा लिया है। तो वहाँ पर मीडिया के कुछ साथी जिनमें श्री हिमांशु नारंग और कमल मिड्डा जी गए हुए थे जी, तो वहाँ पे इनकी किसी बात पे पब्लिक के साथ बहस हो गई, तो पत्रकारों को वहाँ के कुछ आदमी हैं उन्होंने उनका हाथापाई की, उनको पिटा जी, कंप्लेंट दे दी है। हिमांशु नारंग की तरफ से कंप्लेंट आई है मेरे पास, इस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर कुछ वीडियोस भी आए हैं सामने? वीडियोस भी है, पत्रकारों ने भी दी है, और जो मौके पे हमारी ER भी गई थी उसने भी खींची थी वीडियो, इनकी बनाई थी जी, तो वो भी कब्जा पुलिस में लेके उसके बाद मुकदमा दर्ज। सर ERV में पलविंदर सिंह थे ASI, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है जो वीडियो में? इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन पलविंदर मुझसे मिला नहीं है अभी जी। उसके बाद मेडिकल भी जैसे वो दिखाई दे रहे हैं उसमें लाठी डंडे मारते हुए, हाँ जी हाँ जी, तो ये सारी चीजें बरामद की गई? सब बरामद की जाएंगी, अभी अभी कंप्लेंट आई है इसके ऊपर कानूनी। कितने आरोपी दिखाई दे रहे हैं सर वीडियो के अंदर? आरोपी तो 4-5 थे उसके अंदर, लेकिन कंप्लेंट के अंदर पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं है और ना ही ये संख्या दे रखी कितने आदमी थे। कोई रजिस्ट्रेशन वाला मामला तो नहीं है, ये अचानक हुई? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, तो मोबाइल मैन के खिलाफ भी कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अंदर एंट्री दी गई? बिल्कुल जी, वो NDRI के खिलाफ तो क्या कार्रवाई, वो तो अपना किसान थे, किसान गए हुए थे वहाँ पे, किस बात की लड़ाई होगी? लेकिन लाठी डंडे लेके बचाव नहीं किया अभी, बचाव कोई नहीं, वो भी करेंगे। सर जो मोबाइल फोन भी छीना गया है पत्रकारों का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए गलत बात तो है ये भी, किसी पत्रकारिता के अंदर किसी का अगर फोन ही छीन लिया आपने या कैमरा छीन लिया, इससे बड़ी बात क्या है? FIR दर्ज की जाएगी सर? FIR दर्ज कर रहे हैं सर। मारपीट किन किन के ऊपर हुई है? एक तो हिमांशु नारंग, कमल मिड्डा और एक है जी मुकुल, तीन के वो है। FIR दर्ज की जा रही है? अभी पहचान हो पाई है अभी तक किसी की? हाँ, एक राम सिंह नाम का आदमी का नाम आया सामने अभी, तो उसके साथ देखते हैं। हाँ जी, उसके साथ मेडिकल हो गए सर। मेडिकल कहाँ का रहने वाला राम सिंह जी? क्या हुआ था पशु मेले के साथ अंदर जो आपके साथ हुआ? पशु मेले में हम कवरेज के लिए गए थे, NDRI संस्थान में लगा हुआ था मेला, वहाँ पे हम कवरेज के लिए जा रहे थे, लेकिन कवरेज के लिए जो हमें रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी, उन्होंने कहा हमारे पशुओं की जो है वीडियो मत बनाए। उसके बाद हम बाहर आ गए, लेकिन उसके बावजूद जब हम बाहर आ गए उन्होंने जो है वहाँ पे 2 से 3 लोग आ गए, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, उसके बाद हाथ तक उठाए उन्होंने, लाठी डंडे थे उनके पास। उसके बाद उन्होंने अपने 2-3 साथियों को और बुला लिया, गाली गलौज करने लगे, हमने समझदारी का परिचय देते हुए हम पीछे हो गए। उसके बाद हमने अपने सीनियर साथियों को बुलाया, उसके बाद हमने डायल 112 की गाड़ी को बुलाया मौके पर ताकि माहौल शांत हो जाए, इसलिए पुलिस का आना जरूरी था, हमने वही किया। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे उन्होंने फ़ोन किया, अपने साथियों को बुलाया, 12 से 15 बदमाश और बुलाए, पुलिस के सामने ही मारपीट की। हमारे सीनियर पत्रकार साथी हैं उनके साथ तक मारपीट की है, और हम 3 लोग थे टोटल उस भीड़ में जिनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन हमने काफ़ी कुछ अपना सहजता से जो है काम लिया, पुलिस को आगे रखा कि बीच बचाव किया जाए, क्योंकि हमारा काम होता है वहाँ पे झगड़ा ना करना, सहजता से काम लेना। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, 3 लोग जो हैं फिलहाल घायल हुए हैं, मेडिकल करवाया, उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट देने पहुंचे हैं। तो मामला दर्ज किया पुलिस? मामला अब दर्ज हो रहा है, अब शिकायत दे दी है, उसके बाद कार्रवाई। कौन सा थाना लगता है? सिविल लाइन थाना है।